नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश एपिसोड पे, जहां पर ट्रेन करने वाले हैं लोअर एब्डोमिनल एरिया। यहां पे मैंने 5 वर्कआउट कस्टमाइज की हैं आप लोगों के लिए, अपर एब्स, मिडिल एब्स एंड लोअर एब्स, सभी के 3-3 सेट लगाने हैं 30-30 सेकंड्स के। मैं करके दिखाऊंगा हमेशा की तरह केवल एक सेट। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोस की, और पहले लाइक कर दो तो वीडियो आगे देखो। चलिए कर दिया ना, शुरुआत करते हैं वीडियोस की। एक जरूरी अपडेट यहां पे दे दूं, अगर आपके इस पैंडेमिक में इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो मेक श्योर उसको आप फिक्स कर लो। अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, चाहे रेसिपी हो, चाहे डाइट हो, चाहे वर्कआउट हो, आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में भी वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। अब जो बाकी दोनों वर्कआउट थे उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो देखने से विजिबल थे, आप आराम से समझ जाओगे मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। अब ये वर्कआउट थोड़े से टिपिकल, इस पर एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ जाओ। अब पहले टेक्निक देख लो कैसे करना है। ये है रेजिस्टेंस ट्यूब, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 250-300 रुपये में आपको अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। अब आपको बैक ऐसे रखनी है, देन पूरा जो पेट की मसल है उसको एंगेज रखोगे थ्रू आउट द वर्कआउट, देन नीचे पूरा, देन स्ट्रेच पूरा आपका अपर एब्स से लेके लोअर एब्स तक स्ट्रेच हो, आपको पूरा फील करना है। केवल ऐसे ऐसे करोगे तो कोई मतलब नहीं है। जब मैं नीचे जा रहा हूँ मैंने अपने पेट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब ऊपर जा रहा हूँ स्ट्रेच पूरा, डाउन देन स्ट्रेच, डाउन देन स्ट्रेच, समझ गए। पेट से नीचे जाओगे और पेट से ऊपर उठाओगे, कुल मिला जुला के पेट का ही काम करना है। पेट निकाले हो तो भाई साहब इतना तो करना बनता है। आइए करते हैं कितना, 30 सेकंड्स। अगेन दोनों साइड से इक्वली पैरेलल पकड़ के फॉर्म देख लो, फिर से डाउन एंड स्ट्रेच। तो ये थी कंप्लीट थर्ड वर्कआउट। अब जो मैं टाइम ड्यूरेशन रखा हूँ वो है 30 सेकंड्स का, आप चाहो तो उसको आगे पीछे थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बेली फैट के ऊपर स्पेशली
डिपेंड करता है। ये थी थर्ड वर्कआउट, अब बढ़ते हैं चौथी वर्कआउट की ओर। अब जो चौथी वर्कआउट है वो है क्रंचेस। अब इस टेबल के मदद से करेंगे, ये टेबल मैंने लॉकडाउन में खरीदा था तो उससे बहुत यादें हैं। अगर आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं, टेबल चेयर जमीन पे भी परफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास ये है, इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी का भी सहारा ले सकते हो, बस फॉर्म बेसिकली ऐसी होनी चाहिए। देख लो, पैर इतना ऊपर, देन 7 बार बाहर बाहर बाहर, इसको लगाएंगे 30 सेकेंड। आओ शुरू करते हैं। ये थी हमारी चौथी वर्कआउट। जो पांचवी वर्कआउट है वो है लेग राइजेस। मैं करूंगा इस टेबल की मदद से। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो नॉर्मल मैट बिछा के, उस पर भी आप लेग राइजेस कर सकते हो, बट यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। तो अगर आपके पास बेंच ना हो तो मंगा लो, आपके पास एक होम जिम का सेटअप भी रेडी हो जाएगा। कैसे करना है देख लो, आपको लेट जाना है ऐसे, उसके बाद पीछे यहाँ ग्रिप ले लेंगे और टी शर्ट को अपने थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि समझ सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20। ये हुई हमारी पांचवी वर्कआउट कंप्लीट। तो इस पूरे वर्कआउट को आपको 3-3 सेट परफॉर्म करना है फॉर पॉजिटिव एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। मैं श्योरिटी देता हूँ अगर अच्छी डाइट के साथ और अच्छे फॉर्म अच्छे टेक्निक के साथ ये वर्कआउट का 30 डेज परफॉर्म करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर डाइट चार्ट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज फॉलो कर लेना। अब सबसे ज़रूरी बात है वो है इस पैंडेमिक में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कराना है, वो बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इस पैंडेमिक में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा एक चीज़ जो कि है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अपने पीक पे है या अच्छी है उस कंडीशन में इस पैंडेमिक में सर्वाइव करना उतना ही आसान है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कैंपेन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इम्यूनिटी मैटर्स। कुछ इस तरीके का इनका प्रोफाइल और पेज है। यहाँ पे वो हर चीज़ें कवर की जाती है फ्रॉम योगा टू डाइट थ्रू वर्कआउट, हर चीज़ें, ताकि आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी बात इस कैंपेन की मुझे ये लगी, यहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो वीकली लाइव सेशन लेते हैं। वहाँ पे आपको डाइट से लेके, वर्कआउट से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, आयुर्वेद से रिलेटेड हर जो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो यहाँ 24/7 आपको हेल्प मिल जाएगी। छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी क्वेरी पूछना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। रही बात रेसिपी को लेके, तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत कम समय में रेसिपी रेडी होने वाली चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ ज़रूरी चीज़ है, कपिवा का इम्यूनिटी हैम्पर्स भी आपको समय समय पे इनकी तरफ से गिव अवे होता रहता था, आप उसमें भी पार्ट ले सकते हो। तो इस पेज को जाके जरूर चेकआउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। सभी के डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे सीधे इनके पेज पे आप चले जाओगे। कोई डाउट हो तो आप जरूर उनसे पूछ लेना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।